हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2023 347B जेट। ठीक है, साइड नंबर 7 है ये वाला। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव होता है, आप सबको पता ही है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला क्वेश्चन है, एक अंतः केंद्रित घनीय मतलब BCC एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसमें स्टाल हुआ, इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, विलयन की मोललता क्या होगी। ठीक है बेटा, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो तो हमें पता है जो विलयन की जो मोललता होती है, मोललता किसे कहते हैं, अच्छा पहले यही देख लो। 1 किलोग्राम विलायक में जितने विलायक के मोल घुले होते हैं उनकी संख्या को हम मोललता कहते हैं, है ना। अच्छा, मोललता का स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है मोललता बराबर क्या होता है बेटा, विलय के मोलों की संख्या बेटे विलायक का भार। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या हम कर सकते हैं W2/m2 × W1 किलोग्राम में। तो ये हमने ऐसे चेंज कर लिया है फॉर्मूले को, अब इसमें हम सारी वैल्यू रख देंगे, अब आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमने सारी बेटा पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारी वैल्यू आ गया 0.625 मोल प्रति किलोग्राम, ये हमारी मोललता हो गई है। ठीक है ना, और देखो ये हमारे क्लियर हो चुका है बिल्कुल। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ पे W2 और M2 की वैल्यू स्टेशन निकाल लिए, ये वैल्यू पे पुट करिए, निकाल करिए। ठीक है ना, चलो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगले जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.0×10⁻⁴ का 1 सेकेंड इनवर्स है, तो इस अभिक्रिया की अर्धायु क्या होगी। तो बेटा हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है T ½=0.693/K। ठीक है, तो K की वैल्यू दे रखी है 2×10⁻³ दे रखी है, तो हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिए, सॉल्व कर लिया तो आएगा 3.465×10⁻² सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सही है। अगला जो क्वेश्चन है, DNA में क्षारक उपस्थित नहीं होता तो यूरेसिल नहीं होता है DNA के अंदर। तो बेटा देखो ये वाला दे रखा है, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दे रखा है, ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है कि इसका UPC नाम क्या है। तो बेटा ये स्ट्रक्चर सही नहीं दिया था, इस स्ट्रक्चर को हम सही रूप में ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए था, CH3CH CH और CH3, यहाँ OH और CH3 इसका जो नाम हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ से काउंटिंग करेंगे हम लोग, इस साइड से काउंटिंग करेंगे, इस साइड से OH ग्रुप पास में पड़ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा इसका नाम 3-methyl-butane-2-ol, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमारे बेटा कुछ IUPAC नेमिंग दिए हुए हैं, तो इसमें हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हिंसबर्ग अभिकर्मक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक बेटा क्या होता है, वेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड हिंसबर्ग अभिकर्मक, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन देख लो, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, वेंजीन सल्फोरिक अम्ल का एक वैकल्पिक नाम है, जो वेंजीन सल्फोरिक अम्ल बेटा होता है इसका ये दूसरा नाम है, इसका नाम होता है हिंसबर्ग। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5SO2Cl, यह तेल जैसा दिखाई देता है। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन है एक तत्व का जो हमारे सिलेबस में नहीं है, स्टार लगा हुआ है, खावारा हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। अगर हम देखते हैं कोलडॉस का नियम क्या होता है बेटा, तो अनंत तन्वता पर किसी बड़े तत्व घटक की मोलर चालकता उसको धनायन ऋणायन की मोलर चालकता के बराबर होती है, ये हम जानते हैं कोलडॉस का लॉ होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कोलडॉस के अनुप्रयोग भी। चलो हम अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक वैद्युत अभिघट्य के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसकी हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है, तो बेंजीन का हिमांक अभिनवन स्थिरांक कितना है बेटा यहाँ पे 5.125 किलोग्राम मोल इनवर्स है, तो विलय का भार द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो बेटा विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है हमारे, तो गिवन दैट हमारे जो दे रखा है वो हमने लिख लिया है बेटा, गिवन दैट W2 = दे रखा है। ठीक है, W2 का मतलब बेटा क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार दे रखा है, और विलायक का यहाँ पे हमें अणु भार भी निकालना है। ठीक है, ये विलायक का भार दे रखा है बेटा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू दे रखी है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है TF = KF W2/m2। ठीक है, W2 बेटा क्या है, यहाँ विलायक का भार, यहाँ पे विलायक का मोलर मास। ठीक है, और ये क्या है, विलय का भार, इनको समय से वैल्यू पुट कर दी हमने, सॉल्व किया तो आंसर आया M2 = 512 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है बेटा, ग्राम प्रति मोल,
ठीक। अगला है निम्नलिखित को समझाइए विद्युत कण संचरण क्या होता है। हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत सरल है, वैसे आप भी सिलेबस में नहीं है, बहुत सरल है ये। अब जो खा वाला ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम हट करके आगे बढ़ जाते हैं गा की तरफ। कारण सहित स्पष्ट कीजिए NiCl का ट्वाइस स्क्वायर अनुचुंबकीय जबकि ये प्रतिचुंबकीय है, ऐसा क्यों? ठीक है ना, तो दोनों जबकि दोनों ऑक्टाहेड्रल होते हैं, तो हम इसको अकॉर्डिंग टू BBT के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये NiCl4 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया Ni+2 और हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे जो Cl है ये जो होता है वीक फील्ड लिगेंट होता है, तो ये अटैक करता है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, दो आते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। तो निकल के 3D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है ये पैरा पैरा है। अच्छा हम निकल की बात करते हैं बेटा, यहाँ तो कार्बन जो कार्बोनिल है ये ना, ये जो कार्बोनिल होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होता है। देखो इस क्वार्टर कंपाउंड में 3D ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरित है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ना, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम बात करते हैं इसकी कोबाल्ट वाले की। ठीक है बेटा, कोबाल्ट वाले की बात करें तो यह कोबाल्ट का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होता है, ये जब आता है अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करा देता है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाते हैं, तो यहाँ पे कितना कैसा होगा बेटा, ये होगा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा, कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है Fe+3H2O+6+3 प्रबल अनुचुंबकीय है जबकि ये जो है दुर्बल चुंबकीय है, ऐसा क्यों? दोनों के कॉम्प्लेक्स में +3 ऑक्सीजन स्टेट है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द BBT अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है, यहाँ पे जो H2O जो होता है वो अटैक करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जो अनपेयर्ड होते हैं वो सारे पेयरिंग में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका ये वाला आंसर होगा। ठीक है ना, तो बेटा क्या है, 3F+ के 3D ऑर्बिटल में सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसका आंसर होगा बेटा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है तो ये काम करेगा, पेयरिंग करा देगा, तब भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, तो ये इसके आंसर लिखे हुए हैं। हम देखते हैं पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, उदाहरण सहित हमें स्पष्टीकरण बताना है इसका। तो बेटा सबसे पहले जानेंगे पेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, फिर पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड के बारे में जानेंगे बेटा। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गए। तो जब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और दूसरे का अमीनो ग्रुप कौन सा होता है बेटा, NH2 आपस में क्रिया करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बेटा ध्यान समझेंगे, इसको मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयत्न आप करिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसको बेटा। ठीक है ना, चलो देखो उसका आंसर। देखो बच्चों, जैसे कि ये लिखा हुआ है, देखेंगे बेटा, जैसे कि देखो हमारे पास ये कार्बन है एक, ठीक है, जैसे CH3 लिखा हुआ है और यहाँ पे C है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है COOH। एक तो तरीका ये है, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है इसमें, दूसरा ये हो सकता है बेटा कि देखो हमारे पास ये दूसरा है, ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे NH2 ग्रुप है, NH। ठीक है बेटा, यहाँ NH2 ग्रुप है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो बचेगा निकलने के बाद वो बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। देखो बेटा यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाया गया है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, देखो यहाँ पे CO एक ऑक्सीजन ग्रुप और ये क्या है अमीनो ग्रुप है, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा तो हमारे लिए ये बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, तो सुनेंगे, जब 2, 3, 4 अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तब इन्हें कम से डाइपेप्टाइड्स इत्यादि हम कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, जब बहुत अधिक अमीनो एसिड मिल जाते हैं तब जो पेप्टाइड्स बनता है उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये छोटा सा आंसर है तुम्हारे 2 लाइन का। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते, कमेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।